मैं हूं सानिया अद्रिसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुरार पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दुकानदारों से अलग तरह से ही ठगी कर रहे थे। दरअसल राजस्थानी ठग गैंग के दो लोग अपने आप को मजदूर बताते हैं और पैसे वालों के पास या फिर बड़े दुकानदारों के पास जाकर कहते हैं कि उनके घर खुदाई करते वक्त उन्हें गड़ा हुआ धन या सोना मिला है, लेकिन वो उसे सोनार को नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास बिल नहीं है और सोनार इसकी जानकारी पुलिस को दे देगा, इसलिए आप इन सोने को खरीद लीजिए आधे दामों में। उनका विश्वास जीतने के लिए एक सोने का हार भी उन्हें दे देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, और फिर बाद में अंधेरी स्टेशन पर बुलाकर नकली सोना पकड़ा देते थे। इसी ठगी के दौरान उन लोगों ने 4,60,000 रुपये लूटे हैं, पर दुकानदारों को जब घर पहुंचकर पता चलता है कि सोना नकली है तो तुरंत ही उसमें से एक दुकानदार ने कुरार पुलिस को सारा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 जुलाई 2022 में कुरार स्थित एक दुकानदार, जिनका स्टेशनरी और जेरॉक्स का दुकान है, 23 साल की उम्र के वो दुकानदार है, उनके पास दो लोग गए। उन्होंने उनको उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो मजूरी का काम करते हैं, उनके घर में खुदाई करते टाइम उनको कुछ सोना मिला है, वो सोना उनको बेचना है, लेकिन वो अगर मार्केट में बेचेंगे तो उनके पास बिल नहीं है तो बेच नहीं सकते। अगर आप ये सोना लेते हैं तो हम आपको आधी कीमत में दे देंगे। उनके पास 10 लाख का सोना है, ऐसा उनको बताया। फिर बातों बातों में उन्होंने उनके पास एक सोने का एक हार था, उसमें का सोना उनको निकाल के दिया। उनका विश्वास पाने के लिए उनको उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सोना चेक करने के बाद वो असली था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको सोना अगर चाहिए तो ये 10 लाख का सोना हम आपको 5 लाख में दे देंगे, लेकिन आप सोना लेके अंधेरी स्टेशन पे आ जाओ। तो कंप्लेनर को लगा ये सोना मिल रहा है सस्ते में, तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रख के उनके दोस्तों के पास से कुछ पैसे लिए, उनके कुछ पैसे ऐसे पैसे जमा करके 4,60,000 जमा करके अगले दिन 19 तारीख को अंधेरी स्टेशन पे गए। वहां पर वो दो लोग आए, उन्होंने उनके उनको सोने की एक थैली थमा दी और वो पैसे ले और उनको बोला कि घर जाके ये सोना देखो, और वो निकल गए। कंप्लेनर जो है वो घर पे जाके उन्होंने जब सोना देखा तो वो नकली सोना था। तो फिर उनके ध्यान में आया, समझ में आया, तो उन्होंने फोन लगाना शुरू कर दिया, तो फोन नहीं लग रहा था, तो उनको पता चल गया कि उनके साथ चीटिंग हो गई है। तो अगले दिन उन्होंने कुरार पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। ये घटना है 20 जुलाई 2022 की। तभी से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू था। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे क्राइम ब्रांच में हमारे जॉइंट सिटी क्राइम सर ने और DCP B1 सर ने हमको आदेश दिए थे, हमको एक टास्क दिया था कि पुलिस स्टेशन के जो अनसॉल्व क्राइम है उनमें भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, अपने पास कुछ केसेस ले लो। तो उनमें हमने ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया था। लगातार टेक्निकल एनालिसिस और कंप्लेनेंट के पास से इंक्वायरी करके हमने इन आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी के चलते 22 ग्यारह 2022 को ये आरोपी अंधेरी स्टेशन में आने वाले हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे यूनिट के हेड कांस्टेबल कल्पेश सावंत और हेड कांस्टेबल लीमन इनको मिली। तो वैसे ही उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की, तो इन्फॉर्मेशन मैंने हमारे DCP D1 सर, कृष्णकांत उपाध्याय सर, उनसे शेयर की। उन्होंने हमको तुरंत वहां जाकर रेड करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उस प्रकार हम सब टीम हमने इकट्ठा करके अंधेरी स्टेशन पे गए, वहां पर हमने उनको दबोच लिया, उनको ऑफिस में लेके आया और उनके पास इंक्वायरी किया। तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। हमने उनको इस केस में अरेस्ट किया है, उनको हमने कोर्ट में रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया है। तो कोर्ट ने उनको 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किए है। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, उन्होंने इस प्रकार की और वारदातों को अंजाम दिया होगा। तो हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ ऐसा कुछ चीटिंग की घटना हुई है वो सामने आके पुलिस थाने में कंप्लेंट दे दे।